हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तीन हैक्स, जिसमें कि पहला क्लीनिंग हैक है कारपेट क्लीनिंग, सेकेंड है आपका टैप क्लीनिंग और थर्ड है एग्जॉस्ट फैन की क्लीनिंग। तो फर्स्ट हैक कारपेट क्लीनिंग, जिसके लिए हमने कारपेट को घर से बाहर मतलब गैलरी में स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है, और उसके बाद जो सीको वाली झाड़ू होती है उससे हम इससे सारी डस्ट जो है वो निकाल रहे हैं, कर रहे हैं हाथों से, इसको हम लगा रहे हैं टाइट टाइट ताकि जो डस्ट एकदम जमी हुई है वो सारी निकल जाए। उसके बाद हमने लिया है ये मीठा सोडा और इसको सोडे को हम इस पर स्प्रेड कर रहे हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो हम इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरह का बेकिंग सोडा स्प्रेड करने से जो भी कारपेट के ऊपर दाग धब्बे होते हैं वो सारे आराम से निकल जाते हैं। फिर हम इसको रोल करके रख देंगे। आप इसको मिनिमम 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और मैक्सिमम 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। हमने इसको 1 दिन के लिए रखा था और उसके बाद अपने हॉल में ही हमने इसको वापस से बिछा दिया है और वैक्यूम क्लीनर से इसको हम क्लीन कर रहे हैं। इस मेथड से क्लीन करने से कारपेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, इसमें आपको वॉश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल जैसे वॉश होने के बाद चमक जाता है ना कारपेट, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ये बहुत कम मेहनत वाला काम है और फटाफट होने वाला काम है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है और आप इसी तरह से साफ़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह के ब्रश आते हैं, एक तो कपड़े धोने वाला ब्रश रहता है, आप उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं, या फिर एक कारपेट क्लीनिंग का भी ब्रश आता है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, इनमें से कोई सा भी ब्रश आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे भी अपने कारपेट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमारा कारपेट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हमने इसको वॉश करके सुखाया है और उसके बाद इसको स्प्रेड किया है, बिल्कुल जो भी दाग धब्बे थे वो सारे इसके निकल गए हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड हैक पे, जिसके लिए हमें अपने टैप को क्लीन करना है। हमारे यहाँ हार्ड वाटर है इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा स्टेन्स लग जाते हैं, अगर मीठा पानी हो तो इस तरह के स्टेन्स कम आते हैं, अगर हमारे यहाँ ऐसा पानी आता है तो इसलिए हमें इसको बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता है। यहाँ हमने एक बोल में आधा नींबू का रस लिया है और उसमें वही बेकिंग सोडा डाला है 1/2 चम्मच के करीब, और उसको हम ब्रश से जो पुराना टूथब्रश है उससे मिक्स कर ले रहे हैं और उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, मगर ब्रश से अप्लाई करने से फ़ायदा ये है कि जो भी इसके किनारे और कॉर्नर्स हैं उसमें अच्छे से ये लग जाता है और आराम से ये इसको साफ़ कर देता है। इसको लगाने के बाद करीब हमें इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा और उसके बाद हमें इसे क्लीन करना है। तो 20 मिनट के बाद अब हम वापस से आए हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जो विनेगर होता है उसको हम ले रहे हैं, कोई सा भी विनेगर आप ले लें। हम थोड़ा सा विनेगर कप में पलट रहे हैं और इसको इसमें लेके इसी विनेगर से इसको हम साफ़ करेंगे। ये हमने जो बर्तन धोने का जो स्टील का जूना आता है उससे हम इसको रब कर रहे हैं धीरे धीरे। विनेगर से क्या स्टील में एक चमक सी आ जाती है और ये जूने से जितना भी ये धब्बे जमे हुए हैं हार्ड वाटर के वो सारे आराम से क्लीन हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन से नल देखिएगा कैसे चमक जाएगा, बहुत कम मेहनत लगती है इसको क्लीन करने में और ये देखिए नल एकदम साफ़ हो गया। आप इसी मेथड को यूज़ करके अपने बाथरूम के जितने भी टैप्स हैं उनको सबको क्लीन कर सकते हैं, या यूँ कहिए कि जो भी स्टील के इस तरह के नल वगैरह हैं वो सारे आराम से क्लीन हो जाते हैं, सारे दाग धब्बे छूट जाते हैं और बिल्कुल चमकने लगते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने थर्ड हैक पे और ये है एग्जॉस्ट फैन की क्लीनिंग, जिसको अक्सर हम लोग अवॉइड कर देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट और गंदगी इस पर जमा हो जाती है और बरसात के सीज़न में तो ख़ास तौर से एक चिपचिपा सा डस्ट हो जाता है उसके ऊपर जमा। उसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर पैराशूट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी लाइट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया या मशीन में डालने वाला ऑयल हो गया, इस तरह का कोई भी ऑयल आप ले लें। यहाँ पर हमने कॉटन ली है और उस कॉटन को हम इस ऑयल में डिप करके धीरे धीरे टैप करते हुए जितने भी डस्ट वाला एरिया है उस पर अप्लाई कर रहे हैं ऑयल को। इस तरह से पूरे फैन पे जितनी भी डस्ट वाली जगह हमें नज़र आ रही है उस पर हम इसे अप्लाई कर देंगे। आप ये सरसों का तेल वगैरह ना लें, वो भारी होता है और वो और ज़्यादा डस्ट को चिपचिपा कर देगा और डस्ट यहाँ से नहीं निकलेगी, इसलिए हम लाइट ऑयल के बारे में आपको कह रहे हैं, वो आप लगा लें। चारों तरफ देखिए हमने इसको अप्लाई कर दिया है, उसके बाद हम इसे अंदर तक जो दिख रही है जगह वहाँ पे भी हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे ड्राई कपड़े से इसको पहले वाइप कर रहे हैं, सूखा कपड़ा हमने लिया है। आप कोई सा भी डस्टर ले लें, उससे आप इसको क्लीन कर दें। देखिए इस तरीके से काफ़ी हद तक जो जितनी भी डस्ट है वो इसमें आ जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम सूखे कपड़े से इसे क्लीन कर रहे हैं। अभी फिर इसके बाद हम इसको गीले कपड़े से इसको जब साफ़ करेंगे तो ये एकदम चमक जाएगा। देखिए
अब ये अंदर का जो पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ के लिए हमने पुराने टूथब्रश को लिया है और उससे भी हम अंदर तक रगड़ रहे हैं इसको अच्छे से। अगर डस्ट ज़्यादा जमी हुई हो तो ब्रश में भी आप ऑयल लगा के उसके बाद अंदर तक रब करें तो वो आराम से सारी डस्ट निकल जाएगी। और ये देखिए इस तरह से काफ़ी हद तक ये क्लीन हुआ है। अब हमने गीला कपड़ा लिया है और उससे हम इसको अच्छे से रब कर रहे हैं देखिए। और बिल्कुल ये मान लीजिए मेहनत नहीं लगी है क्योंकि हमने ऑयल लगा दिया था, तो बहुत हल्के हाथ से करने से एकदम से पंखे की जो पंखड़ियां हैं वो सारी साफ़ होती चली जा रही हैं। इस तरह से अंदर की तरफ से तो पंखा क्लीन करना काफ़ी आसान है और सभी लोग कर लेते हैं, मगर बात आती है कि पंखड़ियों के जो बाहर की साइड का जो एरिया है वो क्लीन नहीं हो पाता। ये देखिए इधर अभी भी डस्ट नज़र आ रही है और अभी भी पंखड़ियाँ बिल्कुल गंदी नज़र आ रही हैं। तो इसको कैसे क्लीन करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर सब लोग इसको स्किप कर देते हैं, बस अंदर की साइड से क्लीन करना ही बताते हैं। इसको क्लीन करने के लिए भी हमने पुराना टूथब्रश लिया है। अगर वही धूल जमी हुई है तो आप ऑयल लगा के इसको रगड़ सकते हैं, और अगर सूखी हुई डस्ट है तो आप ब्रश से भी रगड़ेंगे ना तो ये आराम से निकलता चला जाएगा। ये देखिए आराम से डस्ट निकलती जा रही है और इसको हम रगड़ते जा रहे हैं। अभी कैमरा इस साइड से तो हमें खुद नज़र नहीं आ रहा है, हम अंदाजे से इसको क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद अंदर तक आप ऐसे देखेंगे तो साफ़ हो जाएगा ये। फिर हमने ब्रश के ऊपर ही ये गीला वाला जो माइक्रोफाइबर का हमारा डस्टर था उसको हमने डाला है, क्योंकि इसमें हाथ नहीं जाएगा तो ब्रश की हेल्प से हम इसकी पंखड़ियों को इस तरह से क्लीन कर रहे हैं। इसी तरह से सारी पंखड़ियों को हमें क्लीन करते जाना है। तो ये देखिए अब प्रॉपरली हमारा पंखा अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बिल्कुल क्लीन हो गया, कहीं पे भी कोई डस्ट नहीं रही, पूरे अच्छे से क्लीन हो गया। आई होप आपको ये तीनों ही क्लीनिंग हैक्स अच्छे लगे होंगे। अगर ये हैक्स अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय।